हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। व्यापारियों में नई ऊर्जा संचारित करेगा आत्मनिर्भर भारत पैकेज। केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ली बैंक अधिकारियों की बैठक, विभिन्न दिशा निर्देश दिए। कोविड-19 के राजस्थान एवं पंजाब के प्रभारी केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर प्रवास के दौरान गुरुवार को यहां औद्योगिक संगठनों, उद्यमियों एवं बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज को लेकर विस्तार से चर्चा की। मंत्री शेखावत ने बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि औद्योगिक संगठनों एवं प्रमुख उद्यमियों के साथ विचार विमर्श करें कि किस प्रकार इस पैकेज का लघु उद्यमियों व व्यापारियों को लाभ मिल सके। शेखावत ने कहा कि नए भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा घोषित ये पैकेज मील का पत्थर साबित होगा। लॉकडाउन के दौरान केंद्र जल शक्ति मंत्री एवं जोधपुर सांसद दिल्ली से ही काम कर रहे थे। वे बुधवार को ही जोधपुर पहुंचे और जोधपुर में कोविड-19 के तहत जिला प्रशासन के साथ बैठक की। जोधपुर प्रवास के दौरान आज गुरुवार को भी DRDA हॉल में जिले के विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रमुख लघु उद्योग भारती, जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, मारवाड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स सहित अनेक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज, विशेष रूप से MSME लघु उद्योगों से चर्चा की। बैठक में बैंकों के अधिकारियों ने क्रमवार इस संबंध में विवरण प्रस्तुत किए। मंत्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत की मुहिम शुरू की है। आपदा के इस समय में उद्यमी, व्यापारी, ट्रेडर्स, MSME संकट के दौर से गुजर रहे हैं। बैंक इन सभी के बीच समन्वय स्थापित कर सही तारतम्य के साथ काम करे ताकि मंशा के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत पैकेज का लाभ मिल सके। करीब 1 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में भाजपा के जिला अध्यक्ष उग्मी देवेंद्र जोशी, लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष महापौर घनश्याम ओझा, जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक बाहेती, मारवाड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रसन्न मेहता, देवेंद्र सालेचा, महेंद्र मेघवाल, नाथुराम सहित अनेक औद्योगिक प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।